कहेंगे या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन सुन्नियों का नारा है, क्योंकि सुन्नी बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। तवज्जो, हर सुन्नी मुसलमान बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम कर्बला में भी थे, और जो कर्बला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहे। हम रंग नहीं बदलते, हम पक्के हसनी हुसैनी। देखे कितने लोग कैच करते हैं, हम इसलिए पक्के हसनी हुसैनी है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, हम जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम सुलह नहीं करते। इसलिए इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। अकमल तो लकुम दी कुम अलियम टूडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज अब जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नेचुरल साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल बट नेचुरल ये बात आती है, यार इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, आगे चल के बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, कहीं गढ़मठ तो नहीं हो जाएगा, कोई बाहर से आके दिल्ली पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये एक नेचुरल होता है। अभी हमारे फरीदे मिल्लत मोहतरमुल मकाम ने मुझे बताया एक इदारा है सरकार महबूब पाक के नामे नामी इसमें गरामी पर और हुफाज। ऐसा तो नहीं कि रिक्शा छोड़ करके मैं एमएलए बना फिर रिक्शा चलाना पड़े तो चाय बेचकर इतना बड़ा बना फिर बेचना पड़ा तो एक नेचुरल बात है। मैं बाप की हैसियत से भी सोचता था मेरे बेटे तो हो गए हैं लेकिन सही रहेंगे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं जाएंगे, इल्मे दीन हासिल करेंगे कि नहीं, बट नेचुरल। तो जब मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाएं, नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बशर है, कहीं वो बोली न बोलने लगे। एक फिक्र होती है और उसको ज्यादा जो फाउंडर हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मेरे नबी को भी कुरान तो दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं, एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, साथ में अहले बैत भी दूंगा।